नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। आज हम आपको खड़े होकर किए जाने वाले बहुत ही उपयोगी योगासन बताएंगे। इन योगासनों को बच्चों और युवाओं ने रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। सीधे खड़े हो जाएंगे तो श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर को उठाएंगे और अपने पंजों के बल ऐसे खड़े हो जाना है। आपने श्वास को रोके रखें, फिर एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी एड़ी को नीचे कर लेंगे। इस अभ्यास को आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। और अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाया, दोनों बाजू आपके कानों के बगल में सटे हुए हों और पंजों के बल आपने खड़े हो जाना है। 30 सेकंड मेंटेन करके रखिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे कर लेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास ऊर्ध्व ताड़ासन। इसे करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाइए, अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। पैर के पंजों के बल आपने खड़े होना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर को गए, पैर के पंजों के बल खड़े होना है। बच्चों ने, युवाओं ने, स्त्री पुरुष जो भी हो, हर वर्ग के व्यक्तियों ने इस अभ्यास को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसे करने के लिए अपने दोनों पैरों के थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे आपने ऊपर को ले जाना है। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर ऐसे झुक जाना है, अपने को बेंड करना है अपने शरीर को। फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में आए, सेंटर में आए। श्वास अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड ऐसे बेंड करना है, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहे। इस प्रोसेस को भी आप 5 से 6 बार कीजिए। राइट साइड जाएंगे श्वास, इनहेल करते हुए राइट साइड, एक्सहेल करते हुए सेंटर में। अब हम करेंगे चौथा योगासन कोणासन। इसे करने के लिए अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का स्पेस रख लेंगे और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे सटाकर खड़े होना है आपने। फिर इसके बाद दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कान के पास ऐसे सटा लेना है। इसके बाद आपने धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड करना है। बाएं हाथ को घुटने के पास से धीरे धीरे पैरों के पास लाइए, घुटने बिल्कुल सीधे रहे और इनहेल करते हुए गए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बीच में आए, सेंटर में आए। अब इस बाएं हाथ को उठाया और राइट साइड आपने बेंड किया, इनहेल करते हुए नीचे को गए, एक्सहेल करते हुए बीच में आए। लंबाई बढ़ाने के लिए नेक्स्ट योगाभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। इसको करने के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हथेलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर को उठाया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास ऐसे रख लेंगे। अपने सिर को, अपने छाती को अपने घुटने से स्पर्श करने की कोशिश कीजिए, पाद हस्तासन। अब इसी में हम करेंगे चलित पाद हस्तासन कि धीरे धीरे हम अपने हाथों को आगे ले जाएंगे। आगे ले जाकर तब तक आगे ले जाएंगे जब तक आपका सिर जमीन को स्पर्श ना कर ले। अपने सिर को जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहेंगे, धीरे धीरे पीछे को आएंगे, हाथों के सहारे पाद हस्तासन की पोजीशन में आएंगे। पाद हस्तासन करेंगे, कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करेंगे, फिर श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।